रखते हैं 5 का सेकंड, सेकंड नंबर में भी आप एलएचएस लीजिए, क्योंकि देखिए 12 टर्म एलएचएस में ही, आरएचएस लेके आप एलएचएस नहीं ला सकते हैं, ठीक है, एलएचएस से ही आरएचएस लाएंगे क्योंकि ये 12 टर्म है। चलिए कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, यहां तो ठीक है कॉस ए है ना, चलिए यहां ठीक है, ठीक है, नीचे देखिए यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है 1 प्लस साइन, तो आपको बताए थे ना अभी कि 1 प्लस कॉस थीटा हो, 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 प्लस साइन थीटा हो बटा के नीचे, या 1 माइनस साइन थीटा, आपको हर का परिमेयकरण करना होगा। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो लिखेंगे कॉस ए कॉस ए कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी 1 माइनस साइन ए, समझ गए ना, परिमेयकरण कर रहे हर का, और प्लस प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, यहां लिख देंगे चाहे तो परिमेयकरण कर रहे, परिमेयकरण करने पर, समझ गए ना, परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे इसमें गुना करते हैं, तो देखिए कॉस के साथ इंटू में लिख दीजिए पहले, कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू में हो गया, नीचे देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद चलिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए, अच्छा देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है ना, चलिए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा में क्या है यहाँ पे कॉस ए, ठीक है, तो देखिए एक कॉस से एक कॉस यहाँ कट जाएगा, चलिए अब यहाँ जो बच गया आपका क्या बचा है, 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब तो आसानी से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते ना, चलिए तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए और यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए, चलिए ये साइन ए काट दो, एक एक दो हो जाएगा 2 बटा कॉस ए, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस सेक ना होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, ठीक है 2 सेक ए, समझ गए, तो ये ना प्रूफ करना था, ये आपका आरएचएस आ गया, यानी एलएचएस बराबर में आरएचएस आरएचएस सत्यापित हो गया, ये आपका सत्यापित हो गया, प्रमाणित हो गया, चलिए समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर देखते हैं।